प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अक्टूबर शुक्रवार, पहला पाठ। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 7 से 14। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परंतु जो संहिता के धर्म कांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। यह स्पष्ट ही है कि कोई भी संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा, और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें जो लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो, और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है।
देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुम्बनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और बड़ी उम्मीदों के साथ आज के दिन को हम स्वागत करें। आज हम प्रभु येसु की माँ मरियम का एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं और वो पर्व है जपमाला की माँ मरियम, यानी रोजरी माला विनती की माँ मरियम का पर्व। रोजरी माला विनती कलीसिया के सबसे प्रचलित प्रार्थना है। इसके उद्भव के बारे में, शुरुआत के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं है। माना जाता है 1221 में संत डोमिनिक को माँ मरियम ने दर्शन दिया और उन्हें रोजरी माला विनती के महत्व के बारे में समझाया और उसके प्रचार के लिए उनसे कहा गया। लेकिन विद्वानों का कहना है कि इससे पहले भी रोजरी माला विनती की प्रथा कलीसिया में थी, लेकिन आज जो रोजरी माला विनती हम बोलते हैं उसका मुख्य हिस्सा, मुख्य भाग संत डोमिनिक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन भी आया है। 1571 में संत पापा ने युद्ध में जीत के लिए सभी विश्वासियों को आह्वान किया कि वे मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए रोजरी माला विनती बोले, और ऐसा ही हुआ और उस युद्ध में कलीसिया को जीत मिली। इस कारण संत पापा पियूस 5वें ने अगले वर्ष यानी 1572 में 7 अक्टूबर को रोजरी माला विनती की मां मरियम का पर्व घोषित किया। उस समय से आज तक हर वर्ष हम 7 अक्टूबर को रोजरी माला विनती की मां मरियम का पर्व मनाते हैं, धन्यवाद के रूप में माता मरियम के द्वारा जो हमें कृपादान मिले हैं, माता मरियम की मध्यस्थता मिली है उसके लिए धन्यवाद के रूप में। मैंने आपसे कहा कि रोजरी माला विनती कलीसिया की, कैथोलिक कलीसिया की सबसे प्रचलित प्रार्थना है। हम इस पर मनन करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि रोजरी माला विनती बाइबल पर आधारित प्रार्थना है। सबसे पहले रोजरी माला विनती में हम भेदों पर मनन करते हैं। ये भेद प्रभु येसु के जीवन से जुड़े हुए भेद हैं, आनंद के भेद, दुख के भेद, महिमा के भेद, प्रकाश के भेद। प्रभु येसु के जन्म से जुड़ी हुई बातों पर हम मनन करते हैं। प्रभु येसु के दुखभोग और मृत्यु पर हम मनन चिंतन करते हैं। प्रभु येसु के पुनरुत्थान पर हम मनन चिंतन करते हैं। प्रभु येसु के सुसमाचार की घोषणा पर हम मनन चिंतन करते हैं। तो इस तरह रोजरी माला विनती बोलते समय हम प्रभु येसु के जीवन से जुड़े हुए भेदों पर ही मनन चिंतन करते हैं। इस प्रकार एक विश्वासी रोजरी माला विनती के द्वारा येसु के जीवन के रहस्यों पर मनन करते हैं, उसको गहराई से घोषित करते अपने हृदय में अपनाते हैं। दूसरी बात, ये बाइबल पर आधारित प्रार्थना है। मैंने आपसे कहा हम 6 बार रोजरी माला विनती में प्रभु येसु की सिखाई हुई प्रार्थना, हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं।
वो पूरी तरह से बाइबल में सुसमाचार में आधारित है। इसके अलावा जो प्रार्थना हम बोलते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है, ये वास्तव में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि स्वर्गदूत गैब्रियल ने मां मरियम को संबोधित करते हुए कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा प्रात्री, प्रभु आपके साथ है। उसके बाद हम कहते हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु। ये एलिजबेथ के द्वारा कही गई बात है जो हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। तो रोजरी माला विनती पूरी तरह से प्रभु के पवित्र वचन पर आधारित प्रार्थना है। रोजरी माला विनती आम आदमी की प्रार्थना है, अनपढ़ भी ये प्रार्थना बोल सकते हैं, कंठस्थ करके इस प्रार्थना को दोहराते हैं। आज भी बहुत सारी जगहों पर जो अशिक्षित हैं वे इन प्रार्थनाओं को कंठस्थ करते हैं और इसको अपनाते हैं और इसको अपनी प्रार्थना बनाते हैं। रोजरी माला विनती के द्वारा हम क्या करते हैं, हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम माता मरियम की आराधना नहीं करते हैं, वो तो नारियों में धन्य हैं, वो तो मनुष्यों में धन्य हैं, लेकिन उनके द्वारा मध्यस्थता मांगते हैं। और ये शक्तिशाली प्रार्थना है, शक्तिशाली मध्यस्थता है। कलीसिया में कुछ लोग इस बात पर इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनको मालूम है। तो मां मरियम की मध्यस्थता इसके द्वारा मिलती है। मैंने एक बार किसी से बोलते हुए सुना कि रोजरी माला विनती के एक एक दाने में एक बम से भी बड़ी शक्ति है। वास्तव में रोजरी माला विनती एक शक्तिशाली प्रार्थना है और रोजरी शैतान से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय एक उसके वाक्य 12 से लिया गया था। आपने सुना, प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। ये पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुँचकर वे अटारी पर चढ़े, जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाए का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। हम प्रेरित चरित्र की अध्याय एक उसके वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं, प्रभु येसु ने अपने शिष्यों को समझाया कि वे कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम तब तक शहर में बने रहना जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती है, पवित्र आत्मा नहीं आता है। और प्रभु के आदेश का पालन करते हुए वे प्रार्थना में लीन हुए। और इस प्रार्थना की अगुवाई कौन कर रहा था? मां मरियम कर रही थी, क्योंकि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त व्यक्ति मरियम है। मरियम को पवित्र आत्मा का इस कदर अभिषेक मिला कि उनके अंदर अनादि शब्द देहधारी हुआ। इसलिए वो मां मरियम येसु के शिष्यों को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं। मां मरियम कलीसिया के अंग हैं, सदस्य हैं। कहा जाता है मरियम इज द फर्स्ट क्रिश्चियन एंड द बेस्ट क्रिश्चियन, यानी सबसे पहली मसीही हैं और सबसे आदर्श मसीही हैं। मां मरियम को क्रूस पर से प्रभु येसु ने अपने प्रिय शिष्य योहन को दिया था। और ये मत भूलना कि क्रूस के नीचे 12 प्रेरितों में से केवल एक योहन ही वहां पर उपस्थित था। और योहन को मां मरियम को देते हुए प्रभु येसु ने अपनी मां को कलीसिया के मां के रूप में दिया। उस मां की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम के पास भेजा जाता है। मुक्ति के कार्य में येसु के बाद सबसे बड़ी भूमिका येसु की मां मरियम की रही है, एक सच्चाई है। ईश्वर के द्वारा चुनी गई ईश्वर की बेटी, जैसा कि आज के सुसमाचार में आपने सुना, स्वर्गदूत गैब्रियल उसका प्रणाम करता है।
और कहता है प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मरियम वो नारी थी जो प्रभु की कृपा पात्री थी, प्रभु की कृपा को ग्रहण करने योग्य थी, प्रभु की कृपा को बनाए रखने वाली थी। और आगे स्वर्गदूत कहते हैं प्रभु आपके साथ है, मरियम प्रभु के सानिध्य में जीवन जी। मरियम को प्रभु का सानिध्य प्राप्त था, प्रभु की उपस्थिति प्राप्त थी, वो प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीती थी। आगे स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उस पुत्र के बारे में सुंदर वर्णन आपने सुना। मरियम ने पूछा ये कैसे हो सकता है, मेरा पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है। मरियम जानती थी कि कैसे एक नारी गर्भवती होती है। उसने कहा मेरे पति के साथ पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं है, हमारी मंगनी हुई है, विवाह तक नहीं हुआ है, उससे कोई संसर्ग नहीं, ये कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। और जिस समय मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो जाए, उस समय पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया उस पर पड़ी। मरियम के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, उसके गर्भ में अनादि शब्द ने देह धारण किया, ईश्वर का पुत्र मरियम के गर्भ में आया, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया के द्वारा। मरियम आजीवन उस पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया में जी। और मरियम ने यीशु को पूरी तरह से सहयोग दिया, आप और मेरे मुक्ति के कार्य में मरियम ने यीशु को पूरी तरह से सहयोग दिया। मरियम ने यीशु को पाला पोसा, यीशु के सुसमाचार के घोषणा के समय मरियम ने उसको सहारा दिया, साथ दिया, बराबर उससे मिलने गई, और क्रूस के नीचे खड़ी होकर यीशु को आप और मेरे लिए मरने के लिए बलि चढ़ने के लिए प्रेरित किया, सहारा दिया, साहस दिया। मरियम की भूमिका बहुत बड़ी है। एक मनुष्य के रूप में मुक्तिदाता को मरियम ने जो सहयोग दिया यह अतुलनीय है। इसलिए आज जब हम माता मरियम का पर्व मनाते हैं, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें उस माँ के लिए जिसने मुक्तिदाता को धरती पे लाया, उस माँ के लिए जिसने मुक्ति के लिए पूर्ण सहयोग दिया, उस माँ के लिए जिसने ईश्वर के प्रति की गई प्रतिज्ञा को आजीवन निभाया। उसने कहा था मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो, जीवन के अंतिम पल तक उन्होंने इसको निभाया। आज जब हम रोजरी माला विनती की माँ मरियम का पर्व मनाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु रोजरी में छिपे हुए उस मर्म को जानने के लिए, उस रहस्य को जानने के लिए, उस सामर्थ्य और शक्ति को अनुभव करने के लिए हम सबको कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए, धन्यवाद देते हैं माँ मरियम की महान वरदान के लिए जिसके द्वारा हमें मुक्तिदाता मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु माँ मरियम के द्वारा जो मध्यस्थता हमें मिलती है उसके लिए। रोजरी की सुंदर प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, इस शक्तिशाली शस्त्र के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक विश्वासी इस शस्त्र को इस्तेमाल करते हुए शैतान के प्रति से जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल कर सकें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन।